पीछे के कुछ वीडियो में हमने आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद इनकी एक शाखा ने तो रणथंभौर में चौहान वंश को बसाया, ये भी हमने आपको बताया। लेकिन इनकी एक और शाखा पहले नाडोल गई और फिर नाडोल से भी एक शाखा कीर्तिपाल चौहान के रूप में जालौर आई, ये हमने आपको नहीं बताया। चलो आज बता देते हैं। साल 1181 में नाडोल से आए कीर्तिपाल चौहान ने जालौर में चौहान वंश की स्थापना की। कई चौहान वंशीय राजाओं के बाद यहाँ साल 1305 में काहनरदेव चौहान का राज्य अभिषेक जालौर की राजगद्दी पर किया गया। जी हाँ दोस्तों, शिलालेख की इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं जालौर के प्रतापी राजा काहनरदेव चौहान के बारे में। काहनरदेव चौहान, जिसने जालौर का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज करवाया था। महाराज सामंत सिंह का बेटा काहनरदेव, जिसने अलाउद्दीन को भी कई बार धूल चटाई थी। एक स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रेमी राजा की एकमात्र संतान थी वीरमदेव। वीरमदेव निहायत ही सुंदर और गठिले बदन वाला एक बालक था। इन दिनों तो वीरमदेव कुश्ती के नए नए दांव पेच भी सीख रहा था। लेकिन मैंने अभी तक आपको काहनरदेव चौहान के समकालीन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो नहीं बताया। चलो अभी बता देता हूँ। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक निहायती कपटी और साम्राज्य विस्तारवादी नीति का एक सुल्तान था। आपको याद तो होगा, साल 1296 में अलाउद्दीन ने अपने ही चाचा जलालुद्दीन को मारकर खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। अपने चाचा जलालुद्दीन को मारने के बाद अलाउद्दीन ने 1301 में रणथंभौर के राजा हटी हमीर को मारकर रणथंभौर को भी अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद साल 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह को मारकर चित्तौड़ को भी अपने अधिकार में कर लिया था। और अब उसका पूरा ध्यान गुजरात पर था। गुजरात के लिए उन दिनों सीधा रास्ता रणथंभौर के बाद जालौर से होते हुए निकलता था। रणथंभौर को तो अलाउद्दीन पहले ही अपना बना चुका था, यहाँ से तो उसके लिए रास्ता साफ था। लेकिन अगर उसके लिए कोई बड़ी बाधा थी तो वो थी जालौर। इधर जालौर में अब तक राजा कानरदेव का भव्य राज्य अभिषेक संपन्न हो चुका था। प्रतापी राजा को पाकर जालौर की प्रजा भी अमन और चैन की बंसी बजा रही थी। जालौर की हवाओं में खुशियों की सुगंध फैली थी, मानो खुशियां फैलाने का जिम्मा जैसे हवाओं ने खुद अपने कंधों लिया हो। राजा कानरदेव का बेटा वीरमदेव भी अब किशोर अवस्था पार कर चुका था। वीरमदेव का शरीर अब और भी मजबूत, गठीला और आकर्षक बन गया था। साथ ही वीरमदेव की कुश्ती के डंके अब चारों ओर बजने लगे थे। जालौर के वातावरण में एक नई उमंग दौड़ आई थी। इसी उमंग के बीच अचानक एक दिन एक पत्र जालौर के राज दरबार में पहुंचा। इस पत्र पर लगी मुहर को देखकर राजा काहनरदेव की आंखों ने आग उगलना शुरू कर दिया। इस पत्र पर खिलजी वंश की मुहर लगी हुई थी और ये पत्र दिल्ली राज दरबार से आया था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। इस पत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने राजा कानरदेव से गुजरात जाने के लिए रास्ता देने का अनुरोध किया था। उबलती हुई आंखों से कानरदेव ने पत्र को पढ़ा और अलाउद्दीन को प्रत्युत्तर में लिखा, सुन अलाउद्दीन, तूने मेरे कई राजपूत भाइयों को मौत के घाट उतारा है और अब तू मेरे हिंदू भाइयों को मारने के लिए फिर से मेरे से ही रास्ता मांग रहा है। अलाउद्दीन, तूने अनेकों गांवों को उजाड़ा है, ब्राह्मणों का दमन किया है और गायों का वध भी किया है। तू सोच भी कैसे सकता है मैं तुझे रास्ता दे दूंगा? मैं तुझे रास्ता तो क्या, जालौर में पांव भी नहीं रखने दूंगा। अलाउद्दीन ने ऐसे उत्तर की अपेक्षा तो काहनरदेव से नहीं की थी, लेकिन अलाउद्दीन के लिए इस समय अगर कुछ महत्वपूर्ण था, क्योंकि अलाउद्दीन जानता था सैन्य शक्तियों को और अधिक मजबूत बनाएगी, जो उसके साम्राज्य विस्तार में गति प्रदान करेगी। इसीलिए अलाउद्दीन ने जालौर को छोड़कर इस बार तो अपनी सेना चित्तौड़ से होते हुए गुजरात भेजी। गुजरात पहुंचने के बाद अलाउद्दीन की सेना ने वहां जमकर लूटपाट की और मंदिरों में तोड़फोड़ की। साथ ही सोमनाथ के मंदिर में लगे शिवलिंग को उखाड़कर उसे प्रमाण के रूप में अपने साथ ले लिया। इस बात की खबर जब काहनरदेव को लगी, काहनरदेव ने बिना समय गवाए लौटते अलाउद्दीन की सेना पर एक करारा आक्रमण कर सारी धन संपदा लूट ली और शिवलिंग को भी छीनकर वापस सोमनाथ के मंदिर में स्थापित करवाया। काहनरदेव के इस आक्रमण से जान बचाकर गिरती पड़ती अलाउद्दीन की सेना वापस दिल्ली पहुंची और सारा वाकया अलाउद्दीन खिलजी को सुनाया। अपनी लूटी सारी धन संपदा जाते देख अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो उठा
और अपने सेनापति मुल्तानी को बुलाकर जालौर पर आक्रमण के आदेश ही दे दिए। आक्रमण का आदेश पाकर मुल्तानी एक बड़ी सेना लेकर जालौर की ओर निकला। जालौर पहुंचने के बाद जब मुल्तानी ने जालौर का बड़ा दुर्ग देखा, तब वो समझ गया था इस दुर्ग को तो आसानी से नहीं जीता जा सकता। मुल्तानी ने तो आक्रमण का इरादा ही त्याग दिया, बल्कि उल्टा काहनर देव से संधि करने के लिए ही प्रार्थना करने लग गया, साथ ही दिल्ली दरबार चलने की भी विनती करने लगा। काहनर देव ने मुल्तानी की प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, लेकिन दिल्ली खुद नहीं गया, बल्कि अपने बेटे वीरमदेव को दिल्ली भेजा। पिता की आज्ञा के अनुसार वीरमदेव मुल्तानी के साथ दिल्ली आ पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद एक दिन वीरमदेव दिल्ली के दरबार में बैठा अलाउद्दीन खिलजी से संधि को लेकर कुछ बातें कर रहा था, तभी अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा भी दरबार में आ पहुंची। वीरमदेव की कुश्ती की बातें तो फिरोजा ने खूब सुनी थी, लेकिन गठिला बदन और आकर्षक व्यक्तित्व पहली बार देखा था। वीरमदेव का आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता देख अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा वीरमदेव पर मोहित हो गई। अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा को वीरमदेव से पहली नजर का प्यार हो गया था। फिरोजा ने तुरंत ही वीरमदेव को शादी का प्रस्ताव ही दे डाला, लेकिन ये प्रस्ताव वीरमदेव को बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुस्से में वीरमदेव दिल्ली छोड़ वापस जालौर लौट आया, लेकिन अलाउद्दीन की बेटी तो जिद पकड़कर ही बैठ गई थी। शादी करूंगी तो वीरमदेव से, नहीं तो सारी उम्र कंवारी रहूंगी। बेटी की जिद के आगे अलाउद्दीन की एक भी नहीं चली। फिरोजा का वीरमदेव से शादी का विचार अलाउद्दीन को भी खूब जमा, क्योंकि अगर फिरोजा की शादी वीरमदेव से हो जाती है तो दिल्ली से गुजरात का सीधा रास्ता अलाउद्दीन को आसानी से मिल जाएगा। यही विचार लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर से विवाह का प्रस्ताव अपने दूत के साथ जालौर भिजवाया, लेकिन इस बार वीरमदेव ने प्रस्ताव को पढ़ते ही फाड़ दिया और प्रत्युत्तर में कुछ ऐसा लिखा जिसको अलाउद्दीन सहन नहीं कर पाया। वीरमदेव ने प्रत्युत्तर में ऐसा क्या लिखा था जिसको अलाउद्दीन सहन नहीं कर पाया, ये आप जानेंगे इसी चलचित्र के भाग नंबर 2 में। तो अगर अभी तक आपने अपने चैनल शिलालेख को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि इस चलचित्र का भाग नंबर 2 आते ही आपको फटाफट पता चल जाए और फटाफट आप भाग नंबर 2 भी देख सकें।